सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, तो हम अब कॉलेजेस के कंपैरिजन को डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, तो आज का जो दो कॉलेज का कंपैरिजन है वो है एसजीटी गुड़गांव और महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन, विच इज़ इन हिमाचल। फाइन, तो दोनों ही एक स्टेट कॉलेज हैं। फाइन, दोनों की जो काउंसलिंग है वो स्टेट द्वारा करवाई जाती है। जो सोलन है इसकी काउंसलिंग आमरू यूनिवर्सिटी द्वारा होती है और एसजीटी गुड़गांव की जो काउंसलिंग है वो पीजीआई रोहतक द्वारा होती है। अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों कॉलेजेस गुड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट। फाइन, और सोलन में थोड़ा सा ये है कि एक पहाड़ में है, थोड़ा सा वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से, पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। अदरवाइज जो एसजीटी गुड़गांव है, दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड कॉलेज। फाइन, तो थोड़ा सा एक गुरुग्राम में पड़ता है जो ओल्ड बेसिकली गुड़गांव है, वहाँ पे कॉलेज है, लेकिन गुड कॉलेज है। अगर हम बजट की बात करें तो दोनों का लगभग सेम बजट है, 95 लाख रुपीज़ के करीब ही दोनों का बजट जाता है। फाइन, आदेश सॉरी ये जो सोलन की जो फीस है महर्षि मार्कंडेश्वर की, 14.5 लाख रुपये है, जिसमें 10% का एवरी ईयर इंक्रीमेंट है। और जो एस जी टी गुड़गांव की है वो 18 लाख रुपीज़ की है, जिसमें इंक्रीमेंट नहीं रहता। तो हॉस्टल मेस के अगर एक्सपेंसेस को मिला के बात करते हैं तो लगभग दोनों सेम ही चले जाते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों में इक्वली गुड है। फिर ओपीडी वगैरह की बात करें तो ओपीडी भी दोनों में इक्वली गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर पाऊँ। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओपीडी की, तो वो कॉमन ही है। फाइन, और लगभग अगर हम सर्जरी वगैरह की बात करें तो वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इन प्रैक्टिकली अगर देखें तो एसजीटी में ज़्यादा है। फाइन, पीजी बेनिफिट है अगर की बात करें, दोनों में पीजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पीजी मतलब बोथ इज़ गुड कॉलेज फॉर पीजी। अगर हम कट ऑफ की बात करें, फाइन, तो कट ऑफ में भी आप ये मान के चलिए कि अगर आपका 300 के लगभग स्कोर है, फाइन 275 की रेंज में स्कोर है, तो यू कैन ईजिली गॉट द बोथ कॉलेजेस, प्रोवाइडेड अगर आपने उसकी काउंसलिंग को प्रॉपरली मैनेज कर लिया। सो इन दोनों कॉलेजेस के बारे में मैं बस एक ही बताना चाहूँगा कि थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर हैं। अगर आपका कम बजट है तो आपको कोई और ऑप्शंस ढूंढ लेनी चाहिए इस स्कोर पे। कम ऑप्शंस बजट वाले भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 65-70 लाख वाले। सो इनका दोनों का बजट 90-95 में चला जाता है, तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड कॉलेज अगर आपका बजट है तो। फिर भी अगर आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे जब मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी एडमिशन के प्रोसेस को हम सारा मैनेज करेंगे। और लगभग आप मान के चलिए अगर आपका 275 और 300 के बीच रेंज है, तो आपको आराम से 65-70 वाला कॉलेज मिल सकता है। सो वी कैन हेल्प फॉर दैट। सो इन कंपेरिजन विद दीज टू कॉलेजेस, सो आई कॉन्ट बेसिकली टेल यू कि विच इज़ बेस्ट। फाइन, बोथ इज़ गुड। आप अपने लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपको कौन सा फिजिबल रहता है, कौन सा में आपको गुड लगता है, आप उसमें ले सकते हो। क्वालिटी वाइज दोनों लगभग सेम कॉलेज है। थैंक यू गाइज, गुड लक।